विलेज। तो यहाँ पे जो है अभी मतलब एग्जिबिशंस और कल्चरल इवेंट्स और सब चलता रहता है। आपको अगर कतारा आना है तो ये है अपना मेट्रो का लाइन। तो कैसे भी आप करके मशरब आ जाओगे, सो सीधा मशरब से आपको रेड लाइन कतारा तक लेके आ जाएगी। एंड यू कैन जस्ट गेट आउट योर, लेट्स गो, आई विल शो यू। तो अभी मैं स्टेशन में शूट कर रहा था, कैसे आना है, कैसे कतारा में आना है अपने को, और इन्होंने मुझे बोला कि आपको अलाउड नहीं है इधर ये करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए अलाउड नहीं है। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा शूट करके अभी कतारा की तरफ जा रहा हूँ, सो आई विल शो यू देयर। तो ये है कतारा का मेट्रो स्टेशन, मतलब अभी मैं बाहर आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन से। तो एक टिपिकल कल्चरल मेट्रो स्टेशन बनाया इन्होंने, आप देख सकते हैं, बहुत सही बना है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट स्टेशंस। विल सी हियर। बहुत सही लगता है ये, इधर से ही इनका ये चालू होता है कल्चरल विलेज। ये शायद एक कोई तो गैलरी है, इसमें हम बाद में जाएंगे। ये कतारा कल्चरल हिल्स, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कतारा कल्चरल हिल्स है, उसमें लोग घूमने के लिए आते हैं। और इधर से सही वाला कतारा कल्चरल विलेज चालू होगा। ये जो गिफ्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, ये शाम को बहुत सही दिखता है, सब लाइटिंग वगैरह होगी तो बहुत सही दिखता है। एक्चुअली मैं जब ऑफिस जाता था तब उधर से ये दिखता था दूर से। तो अभी मैं जा रहा था और एक भाई मिले मुझे, तो ये भी व्लॉगिंग करते हैं। तो वो भाई ने मुझे मेरा चैनल नेम वगैरह पूछा, उसको लगा मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह होंगे, इसलिए उसने मेरा चैनल नेम वगैरह सब ले लिया। फिर जब देखा तब उसने देखा मेरे सिर्फ 32 सब्सक्राइबर्स है, उसके 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। उसने फिर कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया, बोला कि कांटेक्ट में रहेंगे, कतर में ब्लॉग कर रहे। तो फिर वो चला गया अपने रास्ते। उसका कुछ तो लाइव रहता है 7 बजे, पिनॉय व्लॉगर्स करके है, सो यू कैन ऑल्सो चेक हिम आउट एंड विल सी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अभी। तो ये गैलरी में मैं आया था, तो इधर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये है आइडल्स। इसकी बस आप प्राइस देखो, 1349 रियाल, 800 रियाल, मतलब 16,000 रुपये का ही है, मतलब बहुत फेमस है ये आजकल, लोगों में बहुत लोग यूज़ करते हैं, पसंद आता है लोगों को। यू कैन जस्ट सी, इसका प्राइस नहीं लिखा है बड़े वाले का, पर अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितने का होगा, आसपास 1,500-2,000 रियाल का है। 30,000 में कौन लेगा भाई ये। ये बैटमैन वगैरह लगा है, ये स्टार वॉर्स का रियल लेगो, बहुत सही लग रहा है, फोटो वगैरह खींचने के लिए बहुत सही है। पिछली बार जब आया था तब खींचा है,
तो आपको अगर वो देखना है, वो आइडल्स वगैरह, तो ये जो गिफ्ट बॉक्स है उसके अंदर जाना है आपको, रॉन्ड विल करके, उसके अंदर आप ये खरीद सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरी जगह, एलसी। तो मैं ये सब देखने के चक्कर में आपको बताना भूल गया कि ये जो कतारा कल्चरल विलेज है, इसका नाम कैसे पड़ा। तो इधर का ऐसा है कि पहले एक क्लॉडियस करके ज्योग्राफर था, उसने पहले मेंशन किया था अराउंड 170 एडी एनो डोमिनी, मतलब यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद 170 साल बाद उसने उसके जो मैप उसने जो पब्लिश किया उसमें पहले मेंशन किया था। तो उसमें उसने CADARA मेंशन किया था, कदारा। सो फिर उसके बाद वो वैसे ही चलता रहा। फिर थोड़े साल बाद जब इस्लाम का जो एटलास आया, वो एटलास में उन्होंने से फिर उसका इसका मेंशन हुआ कतारा का, उसमें भी उन्होंने CADARA ही लिखा था, कदारा। फिर जब 1738 एडी के आसपास फ्रेंच एटलास में उसका नाम बदल दिया इन लोगों ने, फ्रेंच वालों ने, उसका नाम रखा KATARA, कतारा। फिर ऐसे पड़ा इसका नाम कतारा कल्चरल विलेज। तो यहाँ पे जो है अभी मतलब एग्जिबिशंस और कल्चरल इवेंट्स और सब चलता रहता है। तो ये जो कतारा कल्चरल विलेज है, ये बेसिकली सब इवेंट्स के लिए और इसके लिए बनाए इन लोगों ने। और जो अपनी लुसेल सिटी है, वो लुसेल सिटी एक मॉडर्न टाइप का ये दिया है उन्होंने कि सब मॉडर्न चीज़ें जो होंगी वो सब हम लुसेल में बनाएंगे, बाकी सब जो कल्चरल और जो इनको कल्चरल ये करना है, प्रिजर्व करना है, तो वो सब उन्होंने ट्राई किया कि इसी जगह पे बनाएंगे। तो अभी देखते हैं, मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या कल्चरल चीज़ें यहाँ पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। सो आई विल जस्ट शो यू। तो अभी शुरू करते हैं व्लॉग। ऐसे लग रहा है मैं बहुत सही टाइमिंग पे आया हूँ इधर, ये टाइम पे अच्छा लगता है। पिछली बार मैं जब आया था तब भी इसी टाइमिंग पे आया था, और तब स्पोर्ट्स डे था, नेशनल स्पोर्ट्स डे। सो इधर सब इवेंट चल रहे थे, ये जगह जो देख रहे हैं आप, इधर सब इवेंट्स चल रहे थे। मैंने भी कुछ तो खेला है, वो आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगा। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on.